on 1st of January, a situation as under is prevailing. Spot exchange rate is 70 rupees per dollar. The rate of interest for rupee currency is 15%. For dollar currency, it is 6%. Time period is 1 year. 1 year forward exchange rate is 78 rupees per dollar. The question says that say whether arbitrage exists, that is a question. I request all of you to go through the question, please. So friends, we have been provided with a set of the information और उसके ऊपर से हमको ये आंसर देना है कि whether arbitrage exists or not. Now, ये क्वेश्चन का आंसर हमको कैसे दे रहेगा वो सबसे पहले मैं डिस्कस कर रहा हूं. आई एम नॉट डिस्कसिंग द आंसर, आई एम डिस्कसिंग दैट से हाउ वी आर सपोज टू गिव आंसर. व्हाट इज द सीक्वेंस, व्हाट इज द ऑर्डर इन विच वी आर सपोज टू गिव आंसर. बेसिकली वी आर रिक्वायर्ड टू गिव आंसर इन थ्री स्टेप्स, स्टेप वन, स्टेप टू, स्टेप थ्री. ये हमको तीन स्टेप में आंसर देने हैं. स्टेप नंबर वन में हमको क्या करना है फ्रेंड्स, स्टेप नंबर वन में हमको कैलकुलेट करना है फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट एज पर इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरम. यानी यहां पे क्या किया जाएगा फ्रेंड्स, हम लोग फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट कैलकुलेट करेंगे एज पर IRPT. वी अंडरस्टैंड इट इज 70 रुपीज इंटू 1.15 divided by 1.06. तो as per interest rate parity theorem, एक साल का forward exchange rate होना चाहिए था 75.9434 rupees per dollar. क्या actually वही spot that is forward exchange rate है? अगर हाँ, then in that case ये question हमारा यहाँ पे खत्म हो जाएगा और हम लोग ऐसा बोल देंगे that the arbitrage does not exist. If at all the 1 year forward exchange rate is exactly the same what it should have been as per IRPT, then in that case at that point of time the question comes to an end. Why? Because we understand that say in that case so the arbitrage does not exist. अगर वो दोनों differ कर रहा है, जैसे कि यहाँ पे differ कर रहा है, तो हम लोग ऐसा conclusion that is करेंगे that arbitrage exists. फ्रेंड्स यहाँ पे अगर हम लोग लिटरल इंटरप्रिटेशन करें क्वेश्चन का, तो क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही पूछा है कि वेदर आर्बिट्रेज एग्जिस्ट और नॉट. हाउएवर वी डोंट हैव टू गिव आंसर ओनली टू दिस एक्सटेंट, हमको आगे भी कैलकुलेशन करना है. हम लोग स्टेप नंबर टू में ये डिटरमाइन करेंगे. लिसन केयरफुली, इन स्टेप नंबर टू वी विल डिटरमाइन दैट बोरो रुपीज एंड इन्वेस्ट इन डॉलर से आर्बिट्रेज होगा या बोरो डॉलर एंड इन्वेस्ट इन रुपीज से आर्बिट्रेज होगा. दोनों में से कौन से मेथड से आर्बिट्रेज होगा वो हमको सेकेंड स्टेप में डिटरमाइन करना है. उसके बाद थर्ड स्टेप में वी आर रिक्वायर्ड टू मेक द कैलकुलेशन ऑफ द आर्बिट्रेज इन एब्सोल्यूट टर्म. फॉर एग्जाम्पल ऐसे मान लेते हैं दो मिनट के लिए कि बोरो रुपीज एंड इन्वेस्ट इन डॉलर से आर्बिट्रेज होगा, हो रहा है. तो हमको ये बताने का कि भाई 1st of January को हम लोग रुपीज बोरो करेंगे, उसको स्पॉट में कन्वर्ट करेंगे डॉलर करेंसी में, डॉलर में इन्वेस्ट करेंगे, डॉलर में फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट लेंगे एंड सो ऑन. हमको पूरा का पूरा ट्रांजेक्शन लिख के ये सब्सटेंशिएट करना है कि देखो ये रहा आर्बिट्रेज. दैट इज द सीक्वेंस इन विच वी आर सपोज टू कैलकुलेट आंसर ऑफ द क्वेश्चन. आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू राइट डाउन आंसर अलॉन्ग विद मी. In this question, we have to give answer in following sequence. 1. Calculate forward exchange rate
एज पर आईआरपीटी, ब्रैकेट में लिखो इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरम, रेड ऑन विथ पैराग्राफ। इफ एक्चुअल फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट is different in comparison to forward exchange rate, as per IRPT, comma, then arbitrage does not exist. Second point, so second step. Sorry, then arbitrage exists not otherwise. Second step. If arbitrage exists, comma, we have to determine which currency to be borrowed, comma, in which currency investment to be made. Third, calculate arbitrage in absolute term. तो ऐसा करके तीन स्टेप में हम लोग आंसर करेंगे। अभी हम लोग यहां पे आंसर शुरू करते हैं। स्टेप नंबर वन, कैलकुलेशन ऑफ फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट as per IRPT. Spot plus interest on left hand side currency divided by 1 plus interest on right hand side currency. 70 plus 70 into 0.15 into 12 divided by 12, 1 plus 1 into 0.06 into 12 divided by 12, so 70 into 1.15,
divided by 1.06. So we understand 70 into 1.15 divided by 1.06, 75.9434. So this is the way the forward exchange rate is formed. With paragraph read down, actual forward exchange rate is 78 rupees per dollar, comma, it is different in comparison to what it should have been that is 75.9434 rupees per dollar, comma, so आर्बिट्रेज एग्जिस्ट. ये दोनों अलग है इसलिए हम लोग बोलेंगे आर्बिट्रेज पॉसिबल है. स्टेप नंबर टू, इन दैट डिटरमाइनिंग विच करेंसी to be borrowed and in which currency investment should be made. यानी basically हमको अभी ऐसा decide करना है कि हमको रुपीस बोरो करके डॉलर में इन्वेस्ट करना चाहिए या तो फिर डॉलर बोरो करके रुपीस में इन्वेस्ट करना चाहिए फॉर द पर्पस ऑफ आर्बिट्रेज. आर्बिट्रेज के लिए हमको कौन से सेट ऑफ द ट्रांजैक्शंस में एंटर करना चाहिए वो अभी हम लोग यहां पे सीखने वाले हैं. वी हैव टू डिटरमाइन दैट से रुपीस बोरो करके डॉलर में इन्वेस्ट करने से आर्बिट्रेज होगा या फिर डॉलर बोरो करके रुपीस में इन्वेस्ट करने से आर्बिट्रेज होगा वो अभी हम लोग यहाँ पे स्टेप नंबर टू में डिटरमाइन करने वाले हैं. फ्रेंड्स ये स्टेप नंबर टू जो है ना वो हम लोग दो मेथड से कर सकते हैं. मैं सबसे पहले आपको जो कॉन्सेप्चुअल मेथड है मेथड नंबर वन वो बताता हूँ. फ्रेंड्स मेथड नंबर वन जो है उसमें हम लोग ऐसा करेंगे, लिसन केयरफुली, सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे what is the premium, what is the discount of each of the currency. रुपी करेंसी का प्रीमियम डिस्काउंट क्या है, डॉलर करेंसी का प्रीमियम डिस्काउंट क्या है, वो सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे. उसके बाद हम लोग इंटरेस्ट डिफरेंशियल कैलकुलेट करेंगे. यानी हम लोग क्या करेंगे, अगर रुपीस बोरो करके डॉलर में इन्वेस्ट किया तो उसका इंटरेस्ट डिफरेंशियल क्या होगा, रिवर्स डॉलर बोरो करके रुपीस में इन्वेस्ट किया तो उसका इंटरेस्ट डिफरेंशियल क्या होगा, उसका हम लोग कैलकुलेशन करेंगे. यानी क्या, रुपीस में बोरो करेंगे और डॉलर में इन्वेस्ट करेंगे तो कितना इंटरेस्ट डिफरेंशियल का फायदा है या नुकसान है वो कैलकुलेट करेंगे एंड रिवर्स ऐसा करके इंटरेस्ट डिफरेंशियल का कैलकुलेशन करेंगे. देन वी विल प्रिपेयर अ स्मॉल टेबल of making a comparison कि premium discount क्या है और interest differential क्या है और उसके basis से हम लोग decide करेंगे that से हमको किस में invest करना चाहिए. तो ऐसा करके हम लोग छोटे छोटे चार steps में ये method number one को divide करते हैं. Let us start doing answer. Gradually हम लोग समझ से जाएंगे that से यहाँ पे decision कैसे लेने का है. तो method number one में लिखो सबसे पहले
एक प्रीमियम स्लैश डिस्काउंट ऑफ बोथ करेंसीज रुपीस करेंसी उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। स्पॉट माइनस फॉरवर्ड अपॉन फॉरवर्ड इंटू 12 डिवाइडेड बाय एन इंटू 100। व्हाट इज द स्पॉट एक्सचेंज रेट? स्पॉट एक्सचेंज रेट इज 70। व्हाट इज फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट? इट इज 78 डिवाइडेड बाय 78 into 12 divided by 12 into 100। ऐसा करके हम लोग रुपीस करेंसी का प्रीमियम या डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे। 70 माइनस 78 अपॉन 78 into 100, सो दैट कम्स टू 10.26% नेगेटिव। यानी क्या हो गया है फ्रेंड्स, ये डिस्काउंट हो गया। तो रुपी करेंसी का प्रीमियम डिस्काउंट फाइंड किया। I request all of you to write down answer along with me। डॉलर करेंसी का वैसे ही किया जाएगा, फॉरवर्ड माइनस स्पॉट अपॉन स्पॉट इंटू 12 डिवाइड बाय एन इंटू 100। सो इट इज 78 माइनस 70 डिवाइडेड बाय 70 इंटू 12 डिवाइड बाय 12 into 100। So डॉलर करेंसी का कैसे होगा? 78 माइनस 70 यानी 8 रुपए का एप्रिसिएशन अपॉन 70 into 100 दैट इज 11.43%। आंसर इज पॉजिटिव, सो वी अंडरस्टैंड इट इज प्रीमियम। यानी सबसे पहले हमने दोनों करेंसी का प्रीमियम डिस्काउंट का कैलकुलेशन किया। उसके बाद बी स्टेप, उसमें हम लोग कैलकुलेट करेंगे फ्रेंड्स इंटरेस्ट डिफरेंशियल। देखो इंटरेस्ट डिफरेंशियल का कैलकुलेशन कैसे होगा वो समझते हैं। रुपी करेंसी डॉलर करेंसी, उसमें दो चीज है, वन इज इनकम अनदर इज एक्सपेंस, और उसके बेसिस हम लोग नेट करेंगे। देखो रुपी करेंसी में इन्वेस्ट करेंगे ना तो हमको क्या मिलेगा, हमको 15% का इंटरेस्ट इनकम मिलेगा। और रुपी करेंसी में इन्वेस्ट करने के लिए, रुपी करेंसी में इन्वेस्ट करने के लिए डॉलर करेंसी बोरो करेंगे एट द रेट ऑफ 6%। यानी क्या होगा, नेट हमको 9% का फायदा होगा। डॉलर करेंसी में इन्वेस्ट करेंगे तो हमको 6% मिलेगा, और डॉलर करेंसी में इन्वेस्ट करेंगे तो रुपी करेंसी बोरो करना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 15%। यानी हमको क्या होगा, 9% का नुकसान होगा। सो वी अंडरस्टैंड दैट से रुपी करेंसी व्हेन यू इन्वेस्ट यू गेट 9% एडवांटेज, एंड व्हेन यू इन्वेस्ट इन डॉलर करेंसी यू हैव 9% लॉस। कई बार स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है कि सर ये हमेशा सेम होगा? द आंसर इज नो। कई बार फ्रेंड्स ना हमको ऐसा भी इंफॉर्मेशन दिया जा सकता है, जैसे कि रुपी करेंसी का रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको दे रखा है क्वेश्चन में, फॉर एग्जाम्पल 15/16%, और डॉलर करेंसी का रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 6/6.5%। सपोज ऐसा दे रखा है तो कैसे होगा फ्रेंड्स? देखो रुपी करेंसी एंड डॉलर करेंसी, इनकम एक्सपेंस एंड नेट, रुपी करेंसी में इन्वेस्ट करने से हमको 15% मिलेगा, रुपी करेंसी में इन्वेस्ट करने के लिए डॉलर करेंसी बोरो करेंगे जिसका कॉस्ट है 6%, सॉरी जिसका कॉस्ट है 6.5%, तो हमको नेट कितना फायदा होगा, 8.5%। एंड इफ यू इन्वेस्ट इन डॉलर तो हमको 6% मिलेगा, और
when you invest in dollar, you have to borrow rupees at the rate of 16%. तो आपको 10% का नुकसान होगा. In a way that say what will happen when you invest in rupees, तो यहाँ पे आपको 8.5% का gain होगा और यहाँ पे आपको 10% का loss होगा. Of course, I hope that all of you have understood. This is what you will receive. This is your income and this is your cost. यानी जब आप invest करते हो currency में, तो आपको कम rate of interest मिलेगा. और जब आप बोरो करते हो तो आपको ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा. सिमिलरली व्हेन यू इन्वेस्ट इन डॉलर यू विल गेट लोअर इनकम एंड फॉर इन्वेस्टिंग इन डॉलर यू हैव टू बोरो रुपीस और उसके लिए आपका कॉस्ट होगा 16%. ऐसा हम लोग समझते हैं. सो येट प्रोसीडिंग फर्दर, ये हमारा स्टेप नंबर 2 हो गया. यहाँ पे तो 9 पॉजिटिव और 9 नेगेटिव है. This is what we understand is the step B. Step C में हम लोग टेबल बनाएंगे. टेबल में होगा रूपी करेंसी एंड डॉलर करेंसी. उसमें दो चीज होगा. It is premium slash discount. और दूसरा होगा इंटरेस्ट डिफरेंशियल. देखो रूपी करेंसी में जब हम लोग इन्वेस्ट करते हैं देन इन दैट केस वो करेंसी क्या डिस्काउंट के ऊपर है. कितना डिस्काउंट है? 10.26. तो देखो मैं यहां पे क्या लिख रहा हूं फ्रेंड्स, 10.26 का डिस्काउंट है. डिस्काउंट का मतलब उतना हमको लॉस होगा जब हम लोग रूपी करेंसी में इन्वेस्ट करेंगे तो. और रूपी करेंसी का इंटरेस्ट डिफरेंशियल क्या है? इंटरेस्ट डिफरेंशियल 9% पॉजिटिव है. यानी इसका मतलब क्या कि रूपी करेंसी में इन्वेस्ट करने से हमको 9% का फायदा होगा. सो 9% का फायदा हुआ और 10.26 का खर्चा है. सो नेट इट इज 1.26 का लॉस हुआ. डॉलर करेंसी पे जब हम लोग इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें क्या होगा? इंटरेस्ट डिफरेंशियल है 9 नेगेटिव और उसके सामने हमको प्रीमियम का फायदा मिलेगा. बिकॉज डॉलर करेंसी इज एट प्रीमियम. व्हाट इज द प्रीमियम? इट इज 11.43. तो यहां पे हम लोग लिखेंगे 11.43. सो द नेट आंसर होगा 2.43. ऐसा करके हमको से टेबल बनाना है वेरिन वी विल मेंशन से द प्रीमियम डिस्काउंट एंड से इट विल बी कंपेयर्ड विद द इंटरेस्ट डिफरेंशियल. प्रीमियम डिस्काउंट का फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है. इंटरेस्ट डिफरेंशियल का वैल्यूज एज इट इज लिखेंगे और उसके ऊपर से हम लोग नेट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. नाउ प्रोसीडिंग फर्दर इंपॉर्टेंटली टू अंडरस्टैंड दैट ये सारे कैलकुलेशन का मतलब क्या है और ये सारे कैलकुलेशन के ऊपर से हमको कंक्लूजन क्या ड्रॉ करना है. देखो फ्रेंड्स, हम लोग ऐसा समझ सकते हैं कि रूपी करेंसी में जब हम लोग इन्वेस्ट करते हैं देन इन दैट केस दो चीज है, इंटरेस्ट डिफरेंशियल का फायदा है और डिस्काउंट का लॉस है. सो नेट क्या हो रहा है? नेट लॉस हो रहा है. डॉलर करेंसी पे जब इन्वेस्ट करते हैं वापस दो चीज है, एक वी अंडरस्टैंड दैट सेड इंटरेस्ट डिफरेंशियल का लॉस है और प्रीमियम का फायदा है. सो नेट वापस क्या हो जाता है? नेट पॉजिटिव हो जाता है. तो बेस्ड ऑन दिस वी हैव टू ड्रॉ अ कंक्लूजन. तो स्टेप नंबर डी जो होगा हमारा उसमें क्या होगा? डिसीजन. डिसीजन काफी आसान है फ्रेंड्स. डिसीजन में हमको क्या करना है फ्रेंड्स? वी आर रिक्वायर्ड टू सिलेक्ट अ करेंसी ऑफ द इन्वेस्टमेंट वेयर द नेट वैल्यू इज पॉजिटिव. यानी क्या करेंगे फ्रेंड्स? वी विल मेक इन्वेस्टमेंट इन डॉलर. सो द डिसीजन इज दैट से मेक इन्वेस्टमेंट इन डॉलर करेंसी. And to invest in dollar, we will borrow rupee currency. So borrow rupees and invest in dollar is the decision that say we are required to take for the purpose of deciding that say how to do arbitrage. यानी ये combination of the transaction में definitely हमको फायदा होगा, ऐसा हम लोग समझते हैं. चलो fifth paragraph read down. For the purpose of
आर्बिट्रेज बोरो रुपीस एंड इन्वेस्ट इन डॉलर. लेट अस हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस फर्स्ट टू स्टेप्स वंस अगेन. क्वेश्चन का इंफॉर्मेशन ऐसा है कि स्पॉट एक्सचेंज रेट इज 70 रुपीज पर डॉलर, रुपी करेंसी रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15%, डॉलर करेंसी रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6%. और हमको ये इंफॉर्मेशन के ऊपर से ये डिसाइड करना है whether arbitrage exists or not. So friends, so whether arbitrage exists, that is a question. ये question का answer हम लोग तीन steps में करेंगे. पहला step जो होगा उसमें हम लोग calculate करेंगे what should be the forward exchange rate as per IRBT. जो question में forward exchange rate दे रखा है उसको भूल जाओ और हम लोग calculate करेंगे forward exchange rate as per IRBT. वो रेट और जो रेट दे रखा है वो दोनों सेम है तो हमारा क्वेश्चन वहां पे खत्म हो जाता है कि आर्बिट्रेज पॉसिबल नहीं है. अगर वो दोनों डिफरेंट है देन इन दैट केस आर्बिट्रेज एग्जिस्ट. दैट इज फर्स्ट स्टेप. सेकेंड स्टेप में हमको इंपॉर्टेंटली ये डिटरमाइन करना है कि कौन सा करेंसी बोरो करेंगे और कौन से करेंसी में इन्वेस्ट करेंगे तो आर्बिट्रेज होगा. क्योंकि अगर आर्बिट्रेज होगा तो ऐसा नहीं कि रेंडमली हम लोग कोई भी करेंसी में बोरो करके कोई भी करेंसी में इन्वेस्ट करेंगे तो फायदा ही फायदा होगा. अगर आपने गलत कॉम्बिनेशन ऑफ द ट्रांजैक्शंस किया है देन इन दैट केस यू विल एंड अप विद द लॉस. सो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड दैट से हमको कौन सी करेंसी में फंड्स बोरो करना है और हमको कौन सी करेंसी में इन्वेस्टमेंट करना है फॉर द पर्पस ऑफ आर्बिट्रेज. और फिर थर्ड स्टेप में हम लोग वो कैलकुलेट करेंगे एब्सोल्यूट टर्म में. तो यहां पे सबसे पहले हमने फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट कैलकुलेट किया एज पर आईआरबीटी. आई होप दैट एवरीबॉडी इज क्लियर विद अ स्मॉल थिंग दैट आई हैव डन ओवर हियर. मैंने यहां पे क्या किया फ्रेंड्स, ये मैंने सिंप्लीफिकेशन किया है. 1.15 किस लिए फ्रेंड्स, क्योंकि मैथमेटिकल इक्वेशन है आप सबको वैसे तो पता ही होगा. इट इज 70 × 0.15 क्योंकि (12/12) डज नॉट हैव एनी इंपॉर्टेंस. सो 70 + 70 × 0.15 तो क्या किया जाएगा, 70 को कॉमन लिया जाएगा (1.15). वन ब्रैकेट में क्या बताता है, वन ब्रैकेट में 70 बताता है. डिवीजन में क्या होगा, वापस 1 + 1 × 0.06. वापस क्या किया जाता है, वन को कॉमन लिया जाता है (0.06). वो थोड़ा मैथमेटिक्स का सिंप्लीफिकेशन है, चलो ठीक है, दैट्स ओके. पर ये जो रेट है और जो दे रखा है क्वेश्चन में ये दोनों अलग अलग है. इट मीन्स दैट से द आर्बिट्रेज एग्जिस्ट. नाउ फ्रेंड्स, पूरे क्वेश्चन में लिसन केयरफुली, पूरे क्वेश्चन में अभी इसका कोई भी यूज नहीं है, इसको भूल जाने का. स्टेप नंबर टू, हमको ये डिटरमाइन करना है कि कौन सी करेंसी में बोरो करें और कौन सी करेंसी में इन्वेस्ट करें. वो दो मेथड से मैं आपको समझाता हूँ. पहला मेथड कॉन्सेप्चुअल मेथड है जिसमें हम लोग सबसे पहले प्रीमियम डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे दोनों करेंसी का. रुपी करेंसी डिस्काउंट के ऊपर है, डॉलर करेंसी प्रीमियम के ऊपर है. दोनों करेंसी का इंटरेस्ट डिफरेंशियल कैलकुलेट करेंगे. इंटरेस्ट डिफरेंशियल का मतलब ये है कि हमको ऐसा सोचने का, रुपी करेंसी में इन्वेस्ट करेंगे तो क्या इंटरेस्ट इनकम मिलेगा और रुपी करेंसी में इन्वेस्ट करने के लिए मुझे डॉलर करेंसी बोरो करना पड़ेगा तो वहां पे मुझे कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा. मैं डॉलर करेंसी में इन्वेस्ट करूंगा तो मुझे कितना इंटरेस्ट मिलेगा और डॉलर करेंसी में इन्वेस्ट करने के लिए मुझे कितना रुपी करेंसी में इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा. दिस इज द वे द इंटरेस्ट डिफरेंशियल इज कैलकुलेटेड. ओके, तो रुपी करेंसी में पॉजिटिव आता है, डॉलर करेंसी में नेगेटिव आता है. दैट इज स्टेप नंबर टू. थर्ड स्टेप जो है वो एक टेबल है. कैसे सोचने का, रुपी करेंसी में इन्वेस्ट किया तो वो डिस्काउंट का मुझे लॉस होगा, रुपी करेंसी में इन्वेस्ट किया तो इंटरेस्ट डिफरेंशियल का फायदा होगा. ओवरऑल रुपी करेंसी में इन्वेस्ट करने से नुकसान हो रहा है, डॉलर करेंसी में इन्वेस्ट करने से 11.43% का प्रीमियम का फायदा होगा और डॉलर करेंसी में इन्वेस्ट करने से मुझे 9% का इंटरेस्ट डिफरेंशियल का लॉस होगा. ये नेट पॉजिटिव है.
हमेशा याद रखो फ्रेंड्स कि जो इंटरेस्ट रेट्स होता है वो भी पर एनम होता है, और ये जो प्रीमियम डिस्काउंट होता है ना वो भी एनुअलाइज्ड होता है। यहाँ पे तो एक साल का ही टाइम पीरियड है, पर अगर टाइम पीरियड एक साल से कुछ और भी है ना फ्रेंड्स, तो भी ये टेबल एज इट इज ही बनेगा जैसा अभी लिखा हुआ है। कई बार स्टूडेंट्स क्या होता है कि 6 महीने का टाइम पीरियड होता है ना, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऐसे डायरेक्टली कंपेरिजन होगा। यस होगा, क्यों? क्योंकि दोनों एनुअलाइज्ड टर्म में है। उसके बाद डिसीजन कैसे लेंगे, जो करेंसी में हमको पॉजिटिव वैल्यू मिलता है वो करेंसी में इन्वेस्ट करो, यानी क्या करो, मेक इन्वेस्टमेंट इन डॉलर करेंसी। एंड ऑफ कोर्स फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन डॉलर यू हैव टू बोरो रुपीस, एंड डेफिनेटली अगर ऐसा किया तो हमको गेन ही होगा ऐसा हम लोग समझते हैं। एंड दैट इज द वे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द स्टेप नंबर 3। अच्छा, एक दूसरा शॉर्टकट मेथड है, वो भी मैं आपको लिखवा देता हूं। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू राइट एन आंसर। मेथड नंबर 2, सेकेंड स्टेप इज दूसरा मेथड। स्पॉट इज 70 रुपीज पर डॉलर, वन ईयर फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट शुड बी 75.9434 rupees per dollar. एज पर इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरम, रुपी करेंसी का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15%, डॉलर करेंसी का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6%। नाउ लिसन केयरफुली व्हाट आई एम गोइंग टू स्पीक। देखो, वी अंडरस्टैंड दैट से एज पर आईआरपीटी, लिसन केयरफुली, एज पर आईआरपीटी जो करेंसी का रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है ना, वो करेंसी डिस्काउंट पे होना चाहिए। जो करेंसी का रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है वो करेंसी प्रीमियम पे होना चाहिए। इन अ वे दैट से जो रुपीस पर डॉलर का रेट 70 है ना, इट शुड चेंज टू 75.9434 इन ऑर्डर टू कवर अप द इंटरेस्ट डिफरेंशियल। जो करेंसी का रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है वो करेंसी प्रीमियम पे होना चाहिए टू कवर द इंटरेस्ट डिफरेंशियल विच इज लेस। एंड से जो करेंसी का रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है वो करेंसी डिस्काउंट पे होना चाहिए, अगेन टू कवर अप दैट से द इंटरेस्ट डिफरेंशियल। तो ये होना चाहिए था। लिसन केयरफुली, इफ एक्चुअल फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट इज ग्रेटर देन फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट as per IRPT, comma, then invest in right-hand side currency, comma, borrow in left-hand side currency. तो उस केस में क्या करना चाहिए? उस केस में we have to make investment in dollar and we have to borrow rupees. चलो, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू राइट डाउन मेथड नंबर 2 आंसर। एंड फ्रेंड्स, दिस आंसर इज आल्सो एक्सेप्टेबल इन एग्जामिनेशन। वो डिटेल वाला नहीं किया तो भी चलेगा, और ऐसा आंसर लिखेंगे तो भी चलेगा। हाउएवर, कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस में वो मेथड नंबर 1 वाला आंसर हमको पता होना चाहिए। कौन से क्वेश्चंस, वो भी हम लोग आगे समझने वाले हैं। स्टेप नंबर 3, कैलकुलेशन ऑफ आर्बिट्रेज इन एब्सोल्यूट टर्म। स्टेप नंबर 3 में हम लोग कैलकुलेट करेंगे आर्बिट्रेज इन एब्सोल्यूट टर्म। स्टेप नंबर 3 में हम लोग क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, हम लोग ऐसा लिखेंगे, बोरो रुपीस एंड इन्वेस्ट इन डॉलर। Like on 1st of January, borrow 70 rupees at 15% for 1 year. We can assume any other amount also. In spot transaction, we will convert rupees into dollar. Then converted
rupees into dollar, whatever the amount of dollar that you'll get, that will be invested at 6% for 1 year. उसके बाद forward contract में enter करेंगे for sale of dollar and purchase of rupees. This contract will be entered upon, say, for conversion of the maturity amount of the dollar into rupees. फिर at the end of the year क्या होगा? Maturity amount of the deposit होगा $1.06. Liability होगा to repay the loan $80.5. Holding a forward contract for conversion of the dollar into rupees. तो एक डॉलर का हमको 78 रुपीस मिलेगा, तो $1.06 का आपको क्या मिलेगा? 82.68, and with that, so there is an arbitrage of 2.18 रुपीस. और उस दिन का स्पॉट एक्सचेंज रेट कुछ भी है, हमको कोई लेना देना नहीं है, एंड इट विल रिजल्ट इनटू अ गेन. ऐसा करके हमको स्टेप नंबर 3 लिखना है. किसी को पूरा ट्रांजैक्शन लिखना है तो लिख सकते हैं. 1st of January को ये सारे ट्रांजैक्शंस, उसके बाद 31st of December को ये सारे ट्रांजैक्शंस, और उसके ऊपर से आर्बिट्रेज. दिस इज द वे द कंप्लीट आंसर इज देयर फॉर द क्वेश्चन. चलो, नाउ आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज ओवर. नाउ देयर इज वन मोर कॉन्सेप्चुअल पॉइंट दैट आई वांट टू एक्सप्लेन. आज का डेट है 1st of January. स्पॉट एक्सचेंज रेट है 70 रुपीज पर डॉलर. रुपी करेंसी का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15%. डॉलर करेंसी का रेट ऑफ इंटरेस्ट से 6%. एक साल का फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट हमको क्वेश्चन में दे रखा है, 31st of December का. इट इज 78 रुपीज पर डॉलर. नाउ लिसन केयरफुली व्हाट आई एम गोइंग टू स्पीक. वी अंडरस्टैंड दैट से इन दिस सिचुएशन आर्बिट्रेज एग्जिस्ट. भी क्या करने से आर्बिट्रेज होगा? आर्बिट्रेज कुछ ऐसे होगा, इफ एट ऑल यू बोरो रुपीस एंड यू इन्वेस्ट इन डॉलर, मीन्स बोरो रुपीस, उसके बाद सेल रुपीस, परचेज डॉलर, इन्वेस्ट इन डॉलर, एंड देन यू एंटर इन टू द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट. What is a forward contract? Forward contract is sell of dollar and purchase of rupees. So that you'll be able to make the repayment of the loan for the borrowed rupees and you'll be able to make a gain. Aisa karne se arbitrage hoga. Aisa ab tak humne samjha. Now listen carefully what I'm going to speak further. Dekho, spot mein kya hoga? Sab log dollar currency ko buy karenge. With that said, the demand for the dollar currency increases. तो basically क्या होगा? हम लोग ऐसा समझते हैं कि price of dollar currency will increase in the spot. Forward में सब लोग dollar currency को sell करेंगे, तो उसका क्या होगा? Supply बढ़ेगा. इसलिए क्या होगा? ये value नीचे गिरेगा. तो basically क्या होगा? ये जो 70 है ना, वो ऊपर जाएगा. क्यों? क्योंकि everybody is buying dollar in the spot. ये 78 नीचे आ जाएगा. Why? Because everybody is going to sell dollar. तो क्या होगा? एक equilibrium price establish हो जाएगा. ये arbitrage का जो transactions है ना friends, that will make sure that the market is in equilibrium. In a way that say the 1 year का forward exchange rate will be say as per the interest rate parity theorem. This is what say the arbitrage is going to make sure. तो एक छोटा सा आगे explanation last. सिर्फ समझने के लिए ट्रांजैक्शंस ऑफ आर्बिट्रेज विल मेक श्योर दैट market will be in equilibrium situation.
फुल स्टॉप।